लॉकडाउन की वजह से छपरा में 63 दिनों से हंगरी के विक्टर जी को फंसे हुए हैं। उन्हें छपरा सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। विक्टर अब अपने घर जाना चाह रहे हैं। घर जाने के लिए लीगल तरीका नहीं मिल पाने पर 24 मई को विक्टर ने भागने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। दरभंगा के सिमरी थाने के पास पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। स्थानीय लोगों की नजर विदेशी नागरिक पर पड़ी थी। गांव के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और छपरा पुलिस को सौंप दिया। पूर्वी यूरोपीय देश हंगरी के निवासी विक्टर धार्मिक पर्यटक हैं। वो 8 फरवरी को भारत आए थे। उन्होंने पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार की यात्रा अपनी हाईटेक साइकिल से की है। विक्टर ने बताया कि उत्तर प्रदेश के पास मैं किसी जगह अपना खाना बना रहा था, स्थानीय लोगों ने मुझे घेर लिया। वो लोग जो बोल रहे थे वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो लोग मेरा वीडियो बना रहे थे। मैंने मना किया लेकिन वो लोग नहीं माने। लॉकडाउन के पहले हफ्ते तक मैं साइकिल से बिना किसी खास परेशानी के उत्तर प्रदेश में चलता रहा, लेकिन 29 मार्च को छपरा प्रशासन ने आगे जाने नहीं दिया। मेरी कोरोना की जांच भी की गई, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आई। विक्टर के बारे में जानने के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने मढौरा के राजद विधायक जितेंद्र राय को फोन किया और उससे मिलने की बात कही। उसके बाद विधायक के मोबाइल से तेजस्वी ने विक्टर से बात की। विधायक ने बताया कि विक्टर दार्जिलिंग तक जाने के लिए छपरा आया था। पिछले 63 दिनों से उसके साथ एक कैदी जैसा बर्ताव किया जा रहा है। विक्टर का लैपटॉप, मोबाइल, पासपोर्ट, नगद रुपए और कपड़े अप्रैल में ही चोरी हो गए थे। छपरा पुलिस ने उसका सामान बरामद कर लिया, लेकिन पासपोर्ट नहीं मिल सका।